आप लोग की और क्वेटा की आवाम के नॉलेज में आए कि हम लोग बलूचिस्तान अवामी पार्टी के उससे क्या काम कर रहे हैं और क्या काम हम कर चुके हैं। जैसा आप जानते हैं कि QDA की जो हालत थी जब मैं आई हूँ तो इतनी पैथेटिक थी कि उसको ताले लग जाने चाहिए और बंद होने वाली कंडीशन थी। और आने के बाद काफ़ी चीज़ें हमने इसी 8 महीने, वैसे मुझे 8 महीने हुए, 9th month अभी हमारा शुरू हुआ है, उसमें हम लोगों ने काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें जो है वो कर गुजरी हैं जो माजी के CMs भी नहीं कर सके 15 साल में। जैसे कराची टर्मिनल है आपका, कराची टर्मिनल को हमने हज़ारगंजी पे शिफ्ट किया है और जिस पे तमाम शहर का जो ये कंजेशन है, रश है और ये बसों का प्रॉब्लम है, ये ख़त्म हो जाएगा। दूसरा हमने आयरन टेम्बर डिपो जो है वो भी हमने रक्षान में वहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। जी जी ठीक है जी। तो आयरन टेम्बर डिपो जो है उसमें ये होगा कि यहाँ से जितने आयरन टेम्बर डिपोज हैं क्वेटा के, वो भी सारे हज़ारगंज की तरफ मूव हो जाएंगे। तो हमारा ट्रैफिक का जो एक मेन प्रॉब्लम है वो इसी वजह से है, इन तमाम वजूहत की वजह से है। फिर इसके साथ हमारा नेक्स्ट जो है डेयरी फॉर्म्स, शहर के जितने भी डेयरी फॉर्म्स हैं हमने वहाँ पर डेयरी फॉर्म्स की सर्वे करा लिया है, उनको जगह दे दी है। अब बस ये DC साहब को कहकर इनको यहाँ से मूव कराना है। ऑलमोस्ट ये हमारा हो गया, बहुत इम्पॉर्टेंट इशू। इसके बाद हम लोग अभी हम लोग करने जा रहे हैं स्क्रैप गोदाम, उसकी भी ऑक्शन हो गई है। स्क्रैप गोदाम जितने भी शहर में मौजूद हैं उनको भी हम शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ से सिब्बी रोड पर। अच्छा, इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो रक्षान की तरफ है, जो Phase 3 है हमारा। रक्षान हाउसिंग का Phase 3 हम करने जा रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा इंक्रोच था 80% पहले, तो काफ़ी महीनों में हमने उसकी इंक्रोचमेंट दूर की है और उसके बाद जाकर हमने अभी उसको अनाउंस करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। फिर हमारा जो ये हज़ारगंजी टर्मिनल है अभी, इसका भी आगे जाकर काफ़ी स्कोप और फ्यूचर बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ लोगों को रोज़गार मिलेगा, बेरोज़गारी दूर होगी और जो जुर्म और जराइम का वजह से सरयाब में बच्चे बेचारे जो है वो इधर उधर वारदातें करते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोज़गार आएगा, जिससे ये कि वहाँ के आवाम जो है वो खुशहाली की तरफ आएंगी। ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट जॉब्स हों, इस तरह आपको अपॉर्चुनिटीज़ जो मिलेंगी उसमें आप अवेल कर सकेंगे हज़ारगंजी पे। इसके साथ साथ मैं आपको इसका भी बताती चलूं कि जरहून हाउसिंग स्कीम जो माजी में एक स्कीम थी जो बहुत अच्छी स्कीम थी, मगर क्योंकि उस पर प्रॉपर तवज्जो नहीं दी गई और उसको इसी तरह छोड़ दिया गया, हमने 132 KV का ग्रेड स्टेशन उसका इफ्तिताह किया जरहून हाउसिंग स्कीम का, वहाँ पर मस्जिद का इफ्तिताह कर लिया है, कॉलेज बॉयज़ कॉलेज बन चुका है और ऑलमोस्ट तकरीबन 25-30 घर कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गए, जो बिल्कुल ये इस तरह का सरखाने में चली गई थी हमारी जरहून हाउसिंग स्कीम, जो बहुत बेहतरीन स्कीम है। तो उसको हमने वापस लोगों के जो एक एतमाद था वो बहाल किया QDA का और वहाँ पर अब कंस्ट्रक्शन शुरू है। फिर इसी तरह उसके जो चंद कमर्शियल प्लॉट्स थे उसके ऑक्शन करके आवाम को जो है 138 दुकानें थी जिनको हमने ऑक्शन करके आवाम को हैंड ओवर कर दिया। अब इसी तरह हमारा बहुत वफा हुआ पर। एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो जी हाँ रिकॉर्ड ऑक्शन है कि माजी में कभी इतनी ऊंची रिकॉर्ड पे गवर्नमेंट की कोई ज़मीन नहीं बिकी 16,000 तक रेट हमारा किया, तो ये हमने रिकॉर्ड किया जबकि लोग गवर्नमेंट का जो है कोशिश करते हैं 2,000-3,000 से ऊपर नहीं जाते और हमने 16,000 तक हमारा ऑक्शन का रेट किया है। इसके बाद एक और बड़ी अहम ज़रूरत जो क्वेटा शहर की है वो है हमारे ग्रेवयार्ड्स, हमारे कब्रिस्तान, तो इस पे भी तवज्जो देने की सख्त ज़रूरत थी। हमने 4 इम्पॉर्टेंट ग्रेवयार्ड्स चारों शहर के चारों तरफ जो है, एक बलेली पे है हमारा, एक हमारा तकतू पे है, एक हमारा तख्तानी पे है और एक हमारा हज़ारगंजी की तरफ है, ये 4 हमारे ग्रेवयार्ड्स जो हैं 20 एकड़ पे। तो इसमें ये होगा कि जदीद सहूलियत का, मेरा ख्याल है इस तरह का ग्रेवयार्ड पूरे पाकिस्तान में नहीं होगा जो हमने प्लान किया है। इसके अंदर हमने पोर्शंस बकायदा बनाए ABCD ब्लॉक्स करके और उसकी तरह ये दीवारें 4 दीवारी और मतलब वहाँ पर रूम्स भी मौजूद होंगे कि अगर वहाँ पे भी गुसल देना चाहें तो हमने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं। तो इस तरह की ये ग्रेवयार्ड्स का हमारा स्कीम CM साहब की टेबल पर जैसे आएगी तो हम इसको भी इंशाल्लाह ताला ले आएंगे। इसके बाद
पीएसडीपी में ये अप्रूव्ड है, पीएसडीपी में अप्रूव्ड है। अब सीएम की टेबल से जैसे आता है तो हमारी ये ग्रेवयार्ड्स का काम शुरू हो जाएगा। फिर एक बड़ा इम्पॉर्टेंट काम जो हमने अर्बन प्लानिंग में किया है और वो ये है, अच्छा यस, एक QDA का काम एक रह गया हमारा, टेम्बर डिपो का ऑप्शन। जितने टेम्बर डिपोज हैं वो भी हम शिफ्ट करें हज़ारगंजी पे, तो उनका ऑप्शन भी हमारा हो गया है। बहुत अच्छा ज़बरदस्त ऑप्शन है, बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिला है और रेट भी हमने काफ़ी ऊँचे, कल 7,000 तक हो गए, 7,000 के एवरेज तक हम उसके ऑप्शन में गए। उसमें 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 स्क्वायर फुट के प्लॉट्स हैं जो ऑक्शन किए। ये शहर में ये जितने भी हमारे भाई हजरात बिजनेस कर रहे थे, जाहिर बात है इनको एक मुतबादल जगह देना बहुत ज़रूरी था, उसके बगैर तो इनको यहाँ से शिफ्टिंग करना नामुमकिन था। तो ये जो प्रॉपर अब हम लोगों ने इन तमाम चीज़ों को उनके लिए सेट कर दिया है, तो अब जब सारे उधर शिफ्ट होंगे तो आप खुद सोचें कि वहाँ पर वैल्यू भी बढ़ेगी, उस ज़मीन की वैल्यू बढ़ेगी, वहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सहूलियत होगी। ट्रैफिक कंजेशन जो क्वेटा सिटी का सबसे बड़ा मसला था वो 50% हल हो जाएगा। आपका समझे ट्रांसपोर्टेशन 50% हैवी ट्रैफिक तो खैर ऑलमोस्ट 100% चली जाएगी, 50% जो ये गोदामों में माल आता था, चीज़ें ट्रक्स आते थे, ये भी टोटली आपके हज़ारगंजी की तरफ डाइवर्ट हो जाएगी। अब मैं आपको थोड़ा सा अर्बन प्लानिंग का बताना चाह रही हूँ कि ये डिपार्टमेंट मेरे पास है और अर्बन प्लानिंग में एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट एक्ट जो मैंने कैबिनेट से पास करा के असेंबली में आ गया है, बलूचिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी एक्ट, जिसमें माजी में ये होता था कि जित कोई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चला जाता था उनसे ले लेता था इजाज़त के हमें बिल्डिंग बना रहे, कोई चला जाता था QDA के पास, मतलब कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था। तो अब जैसे अपना घर स्कीम हम करने जा रहे हैं इसमें बलूचिस्तान ये अर्बन प्लानिंग में, तो अपना घर का हमारा मेन मकसद ये होगा कि हम ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स में करें और उसमें वहाँ ज़मीन लेकर रेवेन्यू से उस पर सस्ते घर बना के आवाम को, जो स्पेशली जो गवर्नमेंट मुलाजमीन है और वहाँ के लोगों को उससे फ़ायदा हो, वो स्कीम में उनको स्कूल की फैसिलिटी भी होगी, मस्जिद की भी होगी और BHQs भी होंगे। तो इस तरह की ये अपना घर जो स्कीम है ये हमारा अर्बन प्लानिंग का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो इस दौरे हुकूमत में हम करने जा रहे हैं। और इसमें बलूचिस्तान हाउसिंग एक्ट में ये होगा कि जैसे इमरान खान साहब जो घर बनाने का कह रहे हैं, ये सारे इस एक्ट के अंडर आ जाएंगे, एक प्रॉपर सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि बहुत से डिपार्टमेंट आपस में ओवरलैप करते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंडेट किसी और का है और सारे डिपार्टमेंट्स मिल के उसमें लगे होते हैं। लाइक अगर BNR का है रोड बनाना, तो वो एनर्जी का काम भी कर रहे हैं, तो एनर्जी का काम जिस डिपार्टमेंट का है उसे करना चाहिए। तो ये चीज़ें थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है, जो CM साहब ने बहुत प्रॉपरली अब तमाम डिपार्टमेंट्स को लेकर इन चीज़ों को सीधा किया जा रहा है, क्योंकि जब तक आप डिपार्टमेंट को निचले लेवल से सही नहीं करेंगे तो चीज़ें आपको प्रॉपर नज़र नहीं आएंगी। इसी तरह हमने क्वेटा मास्टर प्लान, जो एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी, जब तक मास्टर प्लानिंग मौजूद नहीं हो तो वो शहर जो है मशरूम ग्रोथ की शक्ल इख्तियार कर देता है और वो आहिस्ता आहिस्ता शहर जो है वो बदनुमा एक मंज़र पेश करता है। आप इस्लामाबाद को देखें, क्योंकि वो एक प्लान सिटी है, तो वहाँ जब भी चले जाएं आप 30-40 साल बाद भी तो आपको इसी प्लान में मिलेगा। तो क्वेटा क्योंकि प्लान सिटी नहीं है, फिर जिसको एक दुकान भी बनानी होती थी तो वो आकर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से लेकर और बना ली, किसी ने अगर नाली की सेवरेज का गुजारना है तो वो बगैर पूछे खुदाई करके, तो इस तरह शहर का जो है बेड़ा गर्क हुआ। तो जब हम मास्टर प्लान के अकॉर्डिंगली शहर को प्लान करेंगे तो वहाँ पर एक रूल्स और एक्ट और बायलॉज होंगे और जिसके खिलाफ वर्जी कोई नहीं कर सकेगा, उसके हवाले से चलना होगा। उसमें हम नया शहर भी साथ क्वेटा के आबाद करेंगे ताकि उसकी फ्यूचर प्लानिंग होगी 20 से 25 साल तक। ये 2050 का है वैसे तो हमारा मास्टर प्लान 30 साल का, लेकिन हम फोकस करेंगे कि 20 साल में इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर लोगों को उसमें जोनिंग सिस्टम कर देंगे, जैसे रेजिडेंशियल अलग हो जाएगा, आपका कमर्शियल अलग होगा, बिजनेस सेंटर्स अलग हो जाएंगे, आपके बैंक्स अलग होंगे, तो उसमें ये कि लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आप देखें एक शहर के अंदर ही सिटी में ही हर कोई घुसने की कोशिश करता है, चाहे वो बैंक हो, चाहे बिजनेस वाला हो, चाहे वो मार्केट, चाहे पॉलर, हर बंदा वो कहते हैं क्योंकि लोगों की जो है ना वो पहुंच यहाँ तक है। जब जोनिंग सिस्टम होगा तो सबको पता है कि हमें जाना वहीं है और वहीं पर ये चीज़ें अवेलेबल होंगी। दुनिया में जो भी कंट्रीज कामयाब हैं और उनका प्लान है, उनका सबसे पहले मास्टर प्लान पे तवज्जो दी जाती है।
क्यूडीए में ये मास्टर प्लान 2008 की बात है, 1985 में ये मास्टर प्लान का इन्होंने सोचा था और एक अप्रूव्ड हो गया था, लेकिन क्योंकि उस ज़माने की जो भी गवर्नमेंट थी उन्होंने फिर इसको आगे नहीं लेकर चले और ये वापस इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और ये सरथाने में चला गया। लेकिन आज सीएम साहब का सबसे ज़्यादा फोकस जो है अर्बन प्लानिंग में वो मास्टर प्लान पे है कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेटा सिटी को हम मास्टर प्लान में, अब जिसकी हमने आरएफपी की मीटिंग्स भी कर ली हैं और अब बहुत जल्द इंशाल्लाह एक डेढ़ महीने में जो भी सिलेक्शन होगी वो आकर अपना काम शुरू कर देगा। इसके साथ साथ हम लोग 30 टाउन प्लान्स और भी करने जा रहे हैं जो पूरे बलूचिस्तान डिस्ट्रिक्ट में जितने भी सिटीज़ हैं, जैसे आपकी लसबीला है, आपका खुजदार है, आपका मस्तूंग है, आपका करा ये सिब्बी है, इस तमाम को हम मास्टर प्लान करेंगे, इनके भी मास्टर प्लान्स बनेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ज़रूरी नहीं सिर्फ हम क्वेटा को फोकस करें, हमें पूरे बलूचिस्तान को फोकस करना है। तो इसमें ये 30 मास्टर प्लान्स भी शामिल हैं जो इस साल 4 से 6 मास्टर प्लान्स इन डिस्ट्रिक्ट के भी शुरू हो जाएंगे। और दूसरी बात ये कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो जो है वो हम लोग उस पर काम करें कि ये जो क्वेटा का देखें आप सिस्टम इतना दरम भरम है ट्रैफिक का, उसकी वजह है कि कोई कानून कोई सिस्टम नहीं है। तो ये एक आम ट्रैफिक पुलिस का काम नहीं है सिर्फ कि वो उसको संभाले और कंट्रोल कर सके, इसके लिए पूरी ट्रैफिक इंजीनियरिंग होती है जो इसको इस पर स्टडी करके, और हमारे जो हमने इसके ऊपर वर्कआउट किया है वो सीएम साहब की टेबल पे, इस पर हमने पूरी टीम बनाई है जिसमें हम लोगों ने जो नए लड़के लाहौर से करके आए ट्रैफिक इंजीनियर पे इंजीनियरिंग, उनको इंजीनियर्स को लिया है और इस पर पूरा क्वेटा का हम प्लान करके इंशाल्लाह ताला कुछ महीनों में आपको बड़ा डिफरेंट ट्रैफिक सिस्टम नज़र आएगा।